था, शायद नहीं, ख्याल आया था हमें भी, पूरी कौम की बेटियों को, माओ को, कि जो है फलक नाज जी जो हैं उनका रिश्ता होना चाहिए, उनका घर बसना चाहिए। तो रिश्ते मौजूद हैं आज हमारे साथ, एक और रिश्ते ने हमें ज्वाइन किया था ब्रेक से पहले। फैजान अली साहब हैं, अनमैरिड हैं, गारमेंट्स का काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी एज क्या है सबसे पहले तो, आप एज बताइए। 27 है। 27 साल के हैं आप जी। घर में कौन कौन है? घर में वालदा और वालिद साहब। थोड़ा सा जोर से बात करिएगा। वालदा और वालिदा। और भाई बहन? भाई बहन तीन हैं, उनकी शादी हो चुकी। तो शादियाँ हुई, वो अपने अपने घरों के हो गए या फिर आपके साथ? नहीं, अपने अपने घरों के। आप क्या काम क्या करते हैं? गारमेंट्स का। गारमेंट्स का। तो आपका अपना कोई शॉप वगैरह है क्या? एग्जैक्टली थोड़ा एलैबोरेट कीजिए बिजनेस को। अपनी शॉप है पेस में। अच्छा, पेस में आपकी अपनी शॉप है। और उधर आप ये शर्ट्स वगैरह इस तरह से अपनी चीज़ें, जीन्स और कपड़े वगैरह जो है वो सेल करते हैं। मेंस का? मेंस वेयर ज़्यादा है। वो आपकी शर्ट देख के मुझे पता चल गया था, क्योंकि आपने बड़ी एक वो पीछे ऑरेंज जो है वो शर्ट पहनी हुई थी, तो मुझे अंदाज़ा हो गया। आपने फलक जी के बारे में कैसे सोचा? मैंने भी टीवी पे प्रोग्राम देखा दो दिन आपका जी, ठीक है, और इसी सिलसिले में शादी के लिए ही ये आया। थोड़ा सा जोर से बात करनी पड़ेगी, अभी तो हमने शादी के लिए हाँ भी नहीं की है। प्लीज़ थोड़ा सा जोर से बात करेंगे, फिर उसके बाद शर्म जो है वो बनती आपकी जी, है। अच्छा, प्यारे तो हैं आप, बहुत प्यारे से खूबसूरत हैं माशाल्लाह से, स्मार्ट बॉय हैं। और तालीम कितनी आपकी? एफ ए किया जी। अच्छा, और रिहाइश लाहौर में ही है? लाहौर में। तो अम्मी से पूछा, अब्बू से पूछा? जी जी, पूछ के आए। अम्मी अब्बू राजी हैं जी? वैसे माँ बाप का वैसे जो हौसला है फलक जी के लिए बड़ी बात है। अब वक्त हुआ चाहता है कि दुख्तर पाकिस्तान को मैं आपके सामने जो है यहाँ पे बुलाऊं, और उसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो शोभा है आपका भी, आप समेत एक औरत जो है वो मिल के जाए और जाके दुख्तर पाकिस्तान को एक परचम के नीचे जो है लेकर आए, ताकि हम फाइनल करें कि हम किसके साथ जो है वो रिश्ता करवाएं। आइए, फाइनली अब ये वाला शोभा जो है सेल्स गर्ल्स, ये जाके दुख्तर पाकिस्तान को यहाँ हमारे सामने लेकर आएंगी। आज दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी उनकी। फैसला कीजिए, मुझे आपके फैसले की ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है कि आप मेरा साथ दीजिए। मुझे फैन पेज पे भी कमेंट कर सकते हैं, सुबह की फ़िज़ा पे आप बताइए कि तीनों नाम आपके सामने हैं, डॉक्टर साहब भी हैं हमारे साथ, मोहम्मद साहब भी हैं और हमारे साथ फैजान साहब भी हैं, और इन तीनों में से कौन इनके लिए बेटर पार्टनर है इसके बारे में बताइए। हम इंतज़ार करेंगे, हमें ईमेल्स कीजिए, हमें मैसेजेस कीजिए और साथ में हमें कॉल कीजिए। हम आपकी कॉल्स रिसीव भी कर रहे हैं, मगर कुछ अगर प्रोग्राम में नहीं ले पा रहे हैं तो आपको पता है हमारा मसला जी। दुख्तर पाकिस्तान, आइए। परचम है, इसके साए तले दुआ करें कि हम एक ही रहें। इसका एहतराम सबसे पहले दिल में भी और दिखाने में बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है जी। आज फलक नाज जी के लिए जो रिश्ते आए हैं, फलक नाज जी आप खुद भी देखिए, खुद भी समझिए, आपका हक है कि आप राइट या रॉन्ग देखने के बाद अपने लिए कोई असली सही फैसला करें। ये मुझ पे ज़िम्मेदारी है, आपकी कौम पे ज़िम्मेदारी है, मगर आपकी हाँ और ना बहुत ज़रूरी है। ज़िम्मेदारी हम सब की है, मगर फैसला आपका अपना है। हमारे साथ तीन रिश्ते आप देख रही थी, ये मौजूद हैं और इन तीनों से हम बात भी कर रहे थे। अच्छा जी, फैजान साहब से मज़ीद बात करना चाहूँगी। बच्ची भी आपको साथ मिलेगी? ठीक है। बच्ची कैसी लगी आपको? प्यारी है माशाल्लाह। तो बच्ची को प्यार देंगे? ज़रूरी बात है। आपके तो फ्रेंड्स भी बहुत यंग ही होंगे जी हाँ। तो उस यंग क्राउड में फिर आप मतलब बताएंगे कि मेरी बच्ची भी है और मैंने फलक नाजी से शादी की है, ये सब बातें बताएंगे जी।
खानदान में लेके जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह उठेंगे बैठेंगे जिस तरह से खानदान में लोगों से मिलते जुलते हैं वैसे रखेंगे ताल्लुकात। जी जी, अच्छे ताल्लुकात होंगे, नहीं पर शादी करके जाएंगे। खानदान वाले बातें तो नहीं करेंगे कि आपकी इतनी छोटी एज है 27 साल की आप? नो, नहीं करेंगे। शादी तो इस एज में भी करनी है और इसके बाद भी करनी है। आप ये तो नहीं है कि कहीं इनकम के लिए कि भाई कमा सकती हैं, काम कर सकती हैं, काम करती हुई लड़की आजकल सबको पसंद है कि चलो घर के हालात भी ठीक रहेंगे, खर्चे भी ठीक रहेंगे, बिजली पानी के गैस के इतने मसले आए हुए तो घर के खर्चे के लिए साथ, तो ऐसा तो नहीं है कि आप इसलिए शादी करेंगे? मैं बहुत मैच्योर नहीं हूँ बातों से, तो वैसे आपका लग रहा है मैच्योर नहीं है। मम्मी बोए मान भी रहे हैं आप तो इस बात को? मैंने कहा नहीं मैम। जी मैंने कहा नहीं करेंगे ऐसे हम। अच्छा, मैं ये सारे सवाल आपसे इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे जितनी भी मेरी बहनें और भाई देखने वाले हैं वो ये ना बोलें कि मैंने आपसे ये सवाल छोड़ दिया, मैंने आपसे ये नहीं पूछा। अब हमारे अगर इसके बारे में पता होता तो फिर हम सही फैसले का आपको जो है वो एक हिंट दे सकते। तो आपके सामने है बच्ची, फलक जी आपके सामने है, दुखों से भरी एक औरत, सारी लाइफ जिन्होंने दुखों में गुजारी है और हम ये नहीं चाहते कि जो उनके साथ पहले हुआ है वो दोबारा हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को जो मैं बताना चाह रही हूँ? ये कौम की बेटी है दुख्तरे पाकिस्तान, मेरी कोई ऐसी सोच भी मैं नहीं रख सकती कि जो इनके साथ हुआ है वो अब आने वाली ज़िंदगी में भी इस तरह के हालात से गुजरें और तकलीफ़ों से गुजरें। सहारा तो देना है आपने, मगर क्या सच्चे दिल से प्यार करेंगे? इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है। क्या वो मोहब्बत देंगे आप? इंशाल्लाह, और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। क्या आप देंगे वो मोहब्बत जिसकी मुस्तहिक होती है एक लड़की? बेशक बेशक, लड़की और बीवी में फर्क होता है। जब बीवी बंदा बनाता है तो उसी के लिए, उसने खामन ने बीवी को मोहब्बत देनी है और उसका हक है बीवी का। ऐसे माशाल्लाह आप तीनों के हौसले जो है वो बहुत अजम है, मैं उसके लिए बहुत मैं आप लोग को कॉन्ग्रेट्स करूँगी, सलूट करूँगी कि भाई आप लोग माशाल्लाह से वाकई बाहौसला हमारे प्रोग्राम में आए हैं और हिम्मत ली, सोच ली, इवन आप लोग की फैमिलीज़, आप लोग के पेरेंट्स, इन लोगों ने भी मिलके जो है साथ दिया। कुछ कहना चाहेंगे एक एक अल्फाज में? आप कुछ कहना चाहेंगी पलक नाज जी के लिए? आपको प्रेफर करना चाहूँगी क्योंकि मेरे ख्याल से वो मेच्योर भी हैं और बच्चों वाले भी हैं और वो बच्चों का मतलब दर्द समझते भी होंगे, जाहिर है वाइफ वो एक मतलब प्रैक्टिकल लाइफ गुजार चुके हैं इसलिए, और बाकी दो जो है वो तो बिल्कुल अभी अनमेच्योर हैं और जो सेकंड है वो ज़ाहिर है मेरे ख्याल से बच्ची को ठीक से वो ना अभी सपोर्ट कर सकें क्योंकि जो बच्चों वाले होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं बच्चों के। तो आपकी नज़र में डॉक्टर साहब जो हैं वो आप उनको वोट करेंगे कि ये बेहतर है? जी मेरे ख्याल से। आप बताइए आप किसको वोट करना चाहेंगी, आपकी नज़र में कौन बेहतर रिश्ता है? आपको ही करूँगी क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपकी नज़र में बेहतर है, आप बताइए आप किसको प्रेफर करना चाहेंगी, बताइए। आई थिंक सो डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब को सेम वजह? हाँ जी। अच्छा, वो तो अनमैरिड भी हैं और वो तो अलग भी लेके रख सकते हैं। खैर इसकी ज़रा बात मज़ीद आपसे पूछते हैं, एक वक्फ़ा लूँगी, वक्फे के बाद आपको दोबारा मिलती हूँ, फिर आपको बताएँगे कि आगे मज़ीद किसके क्या वोट हैं, किन के लिए, किन के हक़ में। वक्फ़ा।